जिस दिन आप चम्मच, कटोरी, ग्लास और झाड़ू खरीदकर ये सोचते हैं कि आपके घर में धन की कृपा होगी, उस दिन अमेरिका में एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड आयुर्वेदा डे मनाता है। आपके घर में होने वाली धन की बारिश ऐसी होगी जैसे निर्मल बाबा की दी हुई समोसे और चटनी वाली कृपा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में हिंदुओं के त्योहार या तो एंटी हिंदू विचारधारा वाले लोगों के लिए अपनी एजेंडे का निशाना बन गए हैं, जैसे दीपावली पर प्रदूषण, होली पर पानी की बर्बादी, और बचे कुचे त्योहार जैसे धनतेरस और करवा चौथ है वो बाजारीकरण का शिकार हो गए हैं। इन त्योहारों पर विदेशी ताकतें और विदेशी लोग हमारे भारत के बाजारों से लाखों करोड़ों रुपया अपने विदेशों में लेकर जाते हैं और समृद्ध हो जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम अपने त्योहारों का असली स्वरूप भुला चुके हैं। धनतेरस का असली मतलब, जो अब धनिया मैं कहूं माया के लिए बना दिया गया है, बाजारीकरण का इसने स्वरूप ले लिया है, वो कभी धन्वंतरी देवता, जो स्वास्थ्य के देवता है, उनके लिए मनाया जाता था। इस दिन हम अपने और अपने परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते थे, निरोगी जीवन की कामना करते थे। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम चम्मच, कटोरी, ग्लास और झाड़ू खरीदकर धन की बारिश करवाना चाहते हैं अपने घर। मान लीजिए अगर धन की कृपा हो भी गई तो क्या होगा? स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ये कहता है कि भारत में एलोपैथी इलाज की वजह से हर साल 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। मान लीजिए आपने अपने बच्चे को अच्छे खासे पैसे दे भी दिए लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो यकीन मानिए वो धन कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हमें अपने त्योहारों के असली प्रारूप को, असली स्वरूप को जानना होगा। धनतेरस का असली मतलब है असली धन को पहचानिए, अपने स्वास्थ्य को पहचानिए। ऐसे ही हेल्थ इज वेल्थ नहीं कहा गया है? अमेरिका भी इस चीज को पहचान गया है, इसलिए वो वर्ल्ड आयुर्वेदा डे मनाता है। इसीलिए उसने देसी गाय के गोमूत्र पर 4 पेटेंट ले लिए हैं, जिस पर अब वो कैंसर की दवाई बना रहा है। अमेरिका में सिर्फ लहसुन पर 3,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखे जा चुके हैं। अमेरिका में अब हल्दी वाला दूध प्रचारित प्रसारित किया जाता है। हल्दी पर कैंसर की रिसर्च की जा रही है, वो कैंसर का इलाज अब इस चीज से ढूंढ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि जब अमेरिका हमारे आयुर्वेद को आयुर्वेदा कहकर यहीं पर बेचेगा और हम हंसी खुशी उसे खरीदेंगे। मेरा आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि हम 130 करोड़ लोग हैं जो सिर्फ विदेशों के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं है। वो ना तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई भावना रखते हैं और ना ही हमारे भावनाओं के लिए कोई भावना रखते हैं, मतलब उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने उत्पाद यहां बेचने हैं, अपनी चीजें यहां बेचनी है और यहां का पैसा अपने वहां लेकर जाना है और असली धन लक्ष्मी को अपने वहां पर सजो कर रखना है। मेरा सिर्फ इतनी विनती है कि अपने त्योहारों के असली स्वरूप को जानिए और सिर्फ उनके लिए सिर्फ एक मार्केट मत बनिए। धनतेरस का असली मतलब जानिए, दीपावली का असली मतलब जानिए, होली का असली मतलब जानिए, अपने स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी देवता के दिए हुए विज्ञान को जानिए, आयुर्वेद को जानिए। आप बेशक भारत में आयुर्वेद को देसी इलाज कहकर नकार सकते हैं लेकिन आज अमेरिका इसी पर रिसर्च कर रहा है, वो इसी से अपने लोगों को ठीक कर रहा है। आज अमेरिका सबसे बड़ा कंज्यूमर है आयुर्वेदिक दवाइयों का। भारत का दिया हुआ आयुर्वेद और उसकी दवाइयां अब अमेरिका ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो कोई तो बात होगी हम में कि वो हमारा अनुसरण कर रहा है। सिर्फ हमें इतना चाहिए कि हम अपनी चीजों को न भूले, हम अपने त्योहारों को न भूले, उनके असली स्वरूप को न भूले, ताकि हम उनके हाथों की कठपुतली न बने और अपने दिए हुए लाखों करोड़ों साल के विज्ञान को दोबारा से जाने, ताकि हम असली धन, असली लक्ष्मी की बारिश अपने घर में करवा सके। धन्यवाद। जय हिंद।